फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नुपुर दुबे। मैं आज आप लोगों को पाइल्स के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे मैं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में जो भी कुछ वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाइल्स के बारे में हमें एक अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाइल्स के बारे में हम लोग ज़्यादातर डिस्कस भी नहीं करने चाहते हैं किसी के साथ में। ये क्या होता है, जब पाइल्स की कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, वो उसको छुपाते हैं कुछ दिनों तक, एंटीबायोटिक्स और ऐसे ही पेन किलर ले लेके उसको दबा के रख देते हैं। और फिर जब वो स्टेज दूसरे स्टेज में चला जाता है तभी जाके वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तब तक ऐसा होता है कि कभी कभी वो सर्जरी के केस तक पहुंच जाता है। तो एलोपैथी में जाने से ही वो सर्जरी में ही ज़्यादातर वो लोग बोलते हैं कि सर्जरी करा लीजिए। सर्जरी कराने से ठीक तो हो जाते हैं, पर ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि फिर से वो वापस नहीं होंगे। लेकिन हमारी होम्योपैथी में आप अगर अच्छे से ट्रीटमेंट कराते हैं, लग के थोड़ा सा पेशेंस रख के ट्रीटमेंट कराते हैं, तो इससे ये जड़ से ख़त्म होने बिल्कुल हो जाते हैं। हमारे से बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको बिल्कुल ही ठीक हो गए हैं, फिर आगे कभी परेशानी हुआ ही नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि पाइल्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथी की जो बेस्ट दवाइयां हैं उसके बारे में कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगी। पाइल्स क्या होता है, जो हमारे एनस मीन्स जो मलदार होते हैं वहाँ के जो वेन्स टिश्यू हो जाते हैं, वहाँ स्वेलिंग हो जाते हैं किसी कारण से। और पाइल्स जनरली दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। तो पहले मैं आप लोगों को एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में बताऊंगी। एक्सटर्नल पाइल्स क्या है, एनस का जो जहाँ से मल निकलते हैं उसके आसपास में स्वेलिंग हो जाते हैं, उसमें किसी तरह के ब्लीडिंग नहीं होती है, उसमें सिर्फ पेन होता है, उसमें तकलीफ होती है, दर्द होता है। लेकिन जो इंटरनल पाइल्स होते हैं वो एनस का जो मलदार है उससे 3-4 सेंटीमीटर अंदर को होते हैं, वहाँ मटर की तरह एक मस्से हो जाते हैं या उस टाइप के कुछ हो जाते हैं, फिर वो फट जाते हैं तो उससे वो ब्लीडिंग होना शुरू होते हैं। और जो इंटरनल पाइल्स होती है इसमें जनरली पेन नहीं देखा जाता है, बहुत कम इसमें पेन होता है, पर इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लीडिंग होने के कारण से कई समय पेशेंट में हीमोग्लोबिन की कमियाँ भी हो जाती है, ब्लड की कमियाँ हो जाती हैं जिससे हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं उसके शरीर में। इसके सिम्टम क्या, मैंने सबसे पहले मैं एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में बताऊंगी। एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होते हैं कि उसमें बहुत दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाते हैं, उसको मल पास करने में बहुत तकलीफ होती है। और इंटरनल में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज़्यादातर ब्लीडिंग होने का ही ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, पाइल्स क्यों होते हैं? पाइल्स जनरली जिनको बहुत लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसको रहते हैं, उन लोगों को पाइल्स होते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में पाइल्स होती हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी में पाइल्स होते हैं, क्योंकि वो यूट्रस बड़े हो जाते हैं, फिर वो जो मलदार में प्रेशर पड़ते हैं, या बहुत समय प्रेगनेंसी के टाइम में कॉन्स्टिपेशन भी रहते हैं, इसके कारण से भी पाइल्स होते हैं। या जिनको बहुत लंबे टाइम तक फोम के कुर्सी में बैठने का काम होता है उनको भी पाइल्स होते हैं। या फिर जो सेडेंटरी लाइफ लीड्स करते हैं, अल्कोहल टेकिंग करते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तला भुना खाना ज़्यादा खाते हैं, मैदे का चीज़ ज़्यादा खाते हैं, इनको भी पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब मैं आप लोगों को होम्योपैथी की कुछ खास खास जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में बताऊँगी। एक्सटर्नल पाइल्स जो होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो मेडिसिन आता है वो है एस्कुलस हेपोटेनम, एस्कुलस हेपोटेनम 30। ये
बहुत ही कारगर दवाई है पाइल्स के लिए। पाइल्स में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें क्या होता है ना, पेन बहुत ज़्यादा रहता है, ब्लीडिंग इसमें होती नहीं है और कॉन्स्टिपेशन भी इसमें पेशेंट को रहता है लंबे टाइम से। तो इसको अगर आप एस्कुलस हेपेटिनम 30 दिन में 3 बार चार चार बूंद करके डायरेक्ट टंग में लेने के लिए दीजिए, देखिए आप 15-20 दिन लेने के बाद ही अपने आप वो तकलीफ से चला जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका भी पाइल्स का एक बहुत अच्छी दवाई है, टॉप ग्रेड के मेडिसिन में माना जाता है। इसमें पेशेंट आके बोलते हैं कि उनको सुबह मोशन के लिए बार बार जाना पड़ता है, मतलब वो एक बार जाके फ्रेश नहीं होते हैं, कई बार उनको जाना पड़ता है सुबह से, कई बार वो चले जाते हैं मोशन के। इनको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहते हैं, मोशन नॉर्मल ही मोशन होते हैं, लेकिन इनको बार बार जाना पड़ता है मोशन के लिए। और ये पेशेंट की हिस्ट्री में भी ये देखा जाता है कि ये अल्कोहल टेकिंग ज़्यादा करते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, या फिर इनको सेडेंटरी लाइफ लीड करने की एक आदत होती है, रात जग के काम करने की आदत होती है, या ऑफिस टूर उनको यहाँ से वहाँ बार बार जाना पड़ता है। ऐसे पेशेंट अगर मिलते हैं तो उसको आप आँख बंद करके नक्स भूमिका 30 लंबे टाइम तक के लिए दे सकते हैं, 15-20 दिन 1 महीने के लिए दे के देखिए। देखिए वैसे ही देना है, 3 दिन में 3 बार चार चार बूंद करके अपने डायरेक्ट टंग में ले लेना है, इससे वो पेशेंट को आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आते हैं कोलिनसोनिया। जब एनस में ऐसा फील होता है उनको कि जैसे कोई तिनका फंसा हुआ है और उसको भयानक दर्द होते हैं मोशन करने के बाद या मोशन करने से पहले, उसको एनस में या मलदार में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, तो ऐसे पेशेंट अगर है तो आप उसको कोलिनसोनिया 30 दिन में 3 बार चार चार बूंद करके डायरेक्ट टंग लेने के लिए बोलिए 15-20 दिन में, देखिए वो बिल्कुल आराम हो जाएगा। अब मैं बताऊंगी इंटरनल पाइल्स के लिए। इंटरनल पाइल्स में सबसे बेस्ट मेडिसिन होते हैं आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है ना कि उसको अंदर मस्से टाइप के होते हैं, वो फट जाते हैं और फिर उससे ब्लीडिंग आते हैं। ब्लीडिंग आने के समय से इसे ऐसा होता है कि उसको कभी कभी उसमें जलन भी होते हैं और उसको इसे गर्म सिकाई करने से आराम मिल जाता है। और ऐसे पेशेंट आर्सेनिक के एल्बम के पेशेंट बहुत बेचैन रहते हैं, उसको किसी चीज़ से आराम नहीं मिल पाता है, उसको सिर्फ हॉट एप्लीकेशन में ही आराम मिलता है। ऐसा अगर आता है आपके पास कोई पेशेंट तो आप उसको आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 3 बार चार चार बूंद करके दीजिए डायरेक्ट टंग में लेने के लिए बोलिए, देखिए वो आराम आ जाएगा उसको। नेक्स्ट मेडिसिन आता है हेमामेलिस। हेमामेलिस में क्या होता है कि वो उसके जो ब्लीडिंग होते हैं वो काले रंग के होते हैं, एकदम काला होता है, खून निकल के आते हैं और दर्द इसमें बिल्कुल नहीं रहते हैं। और मलदार में एक जो थ्रॉबिंग टाइप का पेन होता है, मतलब दब दब कर जो बोलते हैं उस टाइप का पेन उसको रहता है, तो ऐसे में आप उसको हेमामेलिस 30 दिन में 3 बार चार चार बूंद करके डायरेक्ट टंग में लेने के लिए बोलिए, देखिए वो उसको आराम आ जाएगा। लेकिन पाइल्स में इन सब दवाइयों के बाद भी जो सबसे बड़ा बात है कि उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होने से ही पाइल्स का प्रॉब्लम देखने को मिलता है और इसके लिए आपको खाने पीने में सबसे पहले ध्यान देना होगा। खाने पीने में आपको फाइबर युक्त खाना ज़्यादा लेना पड़ेगा, पानी ज़्यादा पीना है, फ्रूट जूस लीजिए, फल पपीता या सेब अनार इस टाइप के फ्रूट्स को ज़्यादा करके लीजिए, क्योंकि जिनको पाइल्स में खून आते हैं उनको खून की कमी हो जाने की चांसेस रहती है, इसलिए उनको अनार चुकंदर इस टाइप के पालक इस टाइप के फल सब्जी लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइप के लेके आप ऐसे लाइफ को एक डिसिप्लिन लाइफ में लेके आइए, देखिए अपने आप पाइल्स ठीक हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। बाय।